रास्ते के बीच में बड़े बड़े खड्डे, लोग परेशान तो हो रहे हैं, आवाज भी बहुत बार उठा रहे हैं, लेकिन आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं। बार बार कहा जा रहा है, शिकायतें भेजी जा रही है कि किसी तरह हमारी यहाँ के सड़कों के गड्ढों को भर दिया जाए, लेकिन कोई भी यहाँ जांच पड़ताल के लिए अभी तक नहीं आया है। एक नज़र भी यहाँ पर नहीं डाली गई है कि इतना बड़ा खड्डा है। आए दिन यहाँ से बच्चे जाते हैं, कोई एक्टिवा पे आता है, कोई स्कूल से पढ़ के आ रहा है, कोई कॉलेज से पढ़ के आ रहा है, रोज ये एक्सीडेंट्स होते हैं और बच्चे यहाँ पर गिर जाते हैं। बता दूँ, कुछ समय पहले की ही बात है, एक बच्ची यहाँ से जा रही थी साइकिल पर, जी हाँ, और कुछ दिनों पहले आपको पता होगा बारिश भी बहुत तेज आई थी, पूरा पानी यहाँ भरा हुआ था, जिसकी वजह से गड्ढा नजर नहीं आ रहा था। और ये गड्ढा ना नजर आने की वजह से जब उस बच्ची ने साइकिल को चलाया तो उसकी सारी कॉपी किताब नीचे गिर जाती है, खड्डे उसको दिखते ही नहीं, सारी कॉपी किताब भर जाती है पानी से। और अगले दिन फिर आपको पता है स्कूल में क्या हश्र हुआ होगा उस बच्ची का, जब उसने टीचर को अपनी नोटबुक दिखाई होगी। एक बार हमारे साथ पूरे मोहल्ले के ये कहा जाए, आसपास के कुछ लोग यहाँ पर है आज जो इकट्ठा हुए हैं और आवाज़ भी उठाई है, लगातार आवाज़ें उठा रही है कि इन खड्डों को सही किया जाए। एक बार बात कर लेते हैं इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कब से ये गड्ढे ऐसे हैं? इसको तो 3-4 महीने हो गए ऐसे ही खड़े रहते हैं ये, आवाज उठाना चालू कर दिया। आवाज तो हमने पहले भी उठाई है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। आज अभी बरसात होती है तो सारा का सारा ये भर जाता है, बच्चे गिरते हैं, स्कूल में बच्चे आते हैं उनका थैला गिर जाता है, स्कूटी गिर जाती है। इसलिए कल हमने अखबार में कि भाई जो है ना किसी संबंधित महकमे को, संबंधित विभाग को रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना एक्सीडेंट हो रहे, गंभीर एक्सीडेंट भी होंगे। इसलिए हमारा सभी प्रशासन से और सभी संबंधित विभाग, नगर निगम है, उड्डा है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको ठीक कराया जाए, इसको ऊपर उठाया जाए। किन किन तरह की जो है आपने एक्शन अभी तक लिए? एक्शन तो अभी ले लिए जी, अभी कल तो अखबार में दिया है, पहले हमने जो है निगम में भी दिया है। और हाँ नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, वो तो देख लेंगे। तो ये काफ़ी दिनों से खराब पड़े हैं और इनको ठीक करवाने के लिए हमने कल मुहिम उठाई कि भी इसको करवा के ही रहेंगे अब ठीक। तो कृपा कर करके हमारा नगर निगम या हुड्डा जिसके भी अंडर में आते हैं इनको ठीक करवा जाए। क्या कभी कोई जांच करने आया, किसी तरह का आश्वासन आपको दिया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया जांच करने के लिए, आया कोई भी नहीं आया है, और आते तो ठीक ही हो जाता है ये। जी शुक्रिया अंकल जी। एक बात बताइए, जब यहाँ पर पानी भर जाता होगा कितने सारी मक्खियाँ यहाँ बैठती होगी, कीड़े यहाँ बैठते होंगे, बीमारियाँ यहाँ फैलती होंगी, क्या इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? मेरा घर सामने है जी, अभी 4-5 दिन पहले 2 सांप भी निकले मेरे घर में, यहाँ बुरा हाल था, पानी भरा हुआ था, पानी की वजह से सांप निकले, वहाँ बुरा हाल था, यहाँ सारे पेड़ पौधे पैदा हो जाते हैं उसकी वजह से। जानते तो आवाज उठाई कभी आपने? हमने तो MC को बोला जी, कई बार रिटर्न में भी दिया है, और नगर निगम का JEE भी आया था, वो बोला हाँ मैं करवाता हूँ, उसके बाद हुआ कुछ नहीं। फिर वो कहाँ गायब हो गए JEE साहब? फोन नहीं उठाते, अब हमारा फोन करते हैं तो कुछ ज्यादा कॉल आपने कर दी होगी। खैर हमारे साथ एक और अंकल जी मौजूद हैं, ये बिल्कुल पास वाले घर में रहते हैं आप? हाँ यस यस। किस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं? यहाँ 2 साल पहले ही बनाया मकान मैंने, तो यहाँ पे 3 फुट पानी था खड़ा। अच्छा। और ये नाली बनाई थी, वहाँ चलो इधर से निकल जाए, कस्सी से खोदा मैंने, तो फिर वो उसका फिर समाधान तो नहीं है ना पूर्ण, तो इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, इसको ऊंचा उठे तब इसका समाधान हो सकता है। यहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है बच्चों का, जैसे बच्चे आते जाते रहते हैं, साधन दूसरे हैं, तो एक्सीडेंट अगर होगा तो फिर बुरा हाल है लोगों का। अभी तक कोई और समस्या देखने को मिली कि भाई यहाँ कभी बच्चा गिर जाता है या फिर कोई? हाँ हाँ गिर जाते हैं, ऐसे पैदल चलने वाले भी गिर जाते हैं, ऐसे ठोकर लग जाते हैं, तो अब जब पानी होता है इतना इतना गहरा पानी, 3-3 फुट पानी चढ़ जाता है, तो चाहे बारिश चाहे थोड़ी हो इसमें पानी बहुत आ जाता है, तो इसलिए ये बहुत बड़ी विकट समस्या है 9-11 सेक्टर वालों की, सभी की समस्या ये। तो ये तो हमने अभी बात की है 9-11 के सेक्टर के कुछ लोग जो आसपास रहते हैं, बिल्कुल साथ वाला घर जिनका है, लेकिन एक बार हम बात कर लेंगे बाबूजी। एक बात बताइए, कुछ समय पहले की बात है कि एक बच्चे की कॉपी किताब तक भी भीग जाती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, एक गुड़िया ऐसे कोचिंग पे जा रही थी तो पानी ज्यादा भरा हुआ था, उसको पता नहीं लगा खड्डा है यहाँ, वो एकदम इसमें गिर गई, उसके सब बुक्स जो है ना पानी के अंदर खराब हो गई जी। देखो ये न्यूज में पड़ी थी, अंकल जी अपने परिचित है यादव साहब, तो इनने फ़ोन कर दिया था, फिर आवाज़ उठानी तो ज़रूरी है। मैं यूँ कहना चाहूँगा कि देखो सेक्टरों का ये हाल है, ये अपने 9-11 का सेक्टर में ये हाल है, जहाँ भी गुड़िया गिर जाती है, कॉपी भीग जाती है, और
आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। बाकी सारी बातें ये जो यहाँ के निवासी इन्होंने बता ही दी आपको, तो मैं कहना चाहूँगा कि निगम का और ये जो प्रशासन का है बुरा हाल है, ये कोई गौर ही नहीं करते भी लोगों को क्या समस्याएं आ रही है। जो अधिकारी है वैसे तो बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, मैंने एक दिन पहले भी बताया था आज़ाद नगर में जो मामला था, तो ये देखो आप भी गांव में क्या हाल होगा। अभी तो एक ही दिन बारिश हुई है, वो भी चार पांच आंगल हुई होगी जोर मार के, और ये वैसे अमीरों का शहर है, अमीरों की गलियां है, 9-11 सेक्टर, बड़े बड़े लोग रहते हैं। क्या बड़े बड़े लोग ऐसी जगह पर रहते हैं? बड़े बड़े लोग क्या करेंगे जी, जब इतने खर्चे लगा के, एक तो जैसे सेक्टरों में इनको इन्हांसमेंट वगैरह, कभी कोई खर्चे, कभी पानी का खर्चा, कभी रोड का टैक्स लेते टाइम तो ये पर्चियां भेज देते हैं घर में, और महंगे महंगे मतलब बिल आते हैं, अलग से बिल आते हैं इनके, बिजली के बिल हो या फिर अलग चार्जेज रहते हैं इनके जो उड़ा के होते हैं या निगम के होते हैं। और सुविधा गांव से भी बदतर, मतलब कोई चीज़ की है ही नहीं। अब पीछे जो है अपने ये जो रोड सीधा जाता है उससे आगे जो जिंदलवाड़ा रोड है, जिंदल स्कूल वाला, वहाँ आप देखोगे आपको एक किले तक सीवरेज का पानी बार रोड के ऊपर मिलेगा, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अपने निगम में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, उनको कहना चाहूँगा कि आप लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान दीजिए जिन्होंने आपको बनाया है, और प्रशासन को कहना चाहूँगा जिनकी सेवा के लिए आप यहाँ पद पे बैठे हो, कम से कम जनता की आप इतनी बड़ी, आप शहर में सेक्टरों की समस्याएं आपको नहीं दिखाई देती तो आप गांव में क्या देंगे। मैं एक और इसके साथ साथ बात बताना चाहूँगा, गंगवा से लेके कैमरी रोड है एक, वो आज 5 साल से टूटा हुआ है, पिछले दिनों गोली देते रहे अफसर, अब फिर 4-1 महीने पहले CM साहब ने उसकी घोषणा कर दी कि वो बनेगा, भी उसको दोबारा से बनाएंगे, अभी तक कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी आगे का एक भी कदम नहीं उठाया। ऐसे ही गंगवा से आर्य नगर रोड का हाल है, ऐसा ही सेक्टरों का है, तो ये प्रशासन और ये सरकार पूरी तरह फेल है, इसको लोगों की समस्याएं दिखाई नहीं देती। अब ये देखो इसके अलावा आप कह रहे थे ना कि बिल्कुल सीधा जाके एक सीवर का भी दिक्कत हो रही है, सीवर का भी दिक्कत हो रही है, अब ये गाड़ी जाएगी, अब गाड़ी का दिखाओ, गाड़ी दिखा देते हैं हम कि यहाँ से अभी गाड़ी पार होने वाली है और कैसे जाएगी, डगमगाती हुई नाचती हुई, एक बार देख लो, एक बार लाइव तस्वीरें देख लो, ये देखो ये हाल है यहाँ की सड़कों का, ये हाल है, ये डांसिंग कार हो रही है यहाँ से डगमग करके जाती है, तो सेक्टर वाले भी परेशान है, उस जगह पर लेकर जाए जहाँ पर आप कह रहे हैं कि 2-3 फुट तक पानी भरा पड़ा। हाँ मैं अभी आपको लेके चलूंगा वहाँ, वो जिंदल पहले वहीं चलते, चलिए आइए वहीं पर चलते हैं और बातचीत करते हैं वहाँ के कुछ लोगों से। तो ये जगह है जो मनोज जी बता रहे थे कि पानी भरा पड़ा है और सीवरेज का पानी, स्मेल, बदबू इतनी गंदी आ रही है, यहाँ से खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। एक बार दिखा देती हूँ लाइव तस्वीरें, गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है, कितनी गाड़ियाँ यहाँ से जाती है, स्कूल की बसेस यहाँ से जाती है, बच्चे यहाँ से जाते हैं साइकिल को लेकर, सीवर का पानी ठीक वहाँ से निकलता नजर आ रहा है। एक बार दिखा दो लाइव तस्वीर थोड़ा सा जूम करके कि सीवर का पानी वहाँ से निकलता नजर आ रहा है और पूरी सड़क आप देख लीजिए इतनी गंदी है, इतनी बदबू यहाँ से आती है। मनोज सर यही जगह बता रहे थे? हाँ यही बता रहा था मैं, जब मेरे को पता लग गया ना अंकल जी वाले मामले का, अंकल जी ने बताया तो मैं फिर गलती से इस साइड आ गया था, मैंने सोचा इस ये जगह है ना जो इसका जिक्र कर रहे थे अंकल जी और जो न्यूज़पेपर में आई थी, फिर मैंने देखा यहाँ तो बुरा हाल है, फिर अंकल जी से बात की इनसे, इनने बताया कि काफ़ी दिन से ये इसी तरीके का है और बदबूदार हो चुका है, इनके दुकान पे भी बहुत असर पड़ा है इस चीज़ का, इनने बताया भी। अंकल क्या असर पड़ गया आपकी दुकान पे? वाला तो बंद करके चला गया दुकान पे जी, गाड़ियाँ पंचर का काम करा, टायर फिट करा, सारे गंदे पर टायर आवे, हम काम भी काम करने टाल कर दे, कई बार तो ज्यादा पानी भीज रहा हो तो और किस तरह की समस्या देखने को मिलती है, क्या किसी तरह की बीमारी भी यहाँ फैल सकती है? टपने वालों को पूरी प्रॉब्लम है, हमारी दुकान के ऊपर को टपते हैं पैड़ी पूड़ी से रही आज पूरी रात को बस। हाँ, अगर मैं कहूँ आपसे कितना समय हो गया इसको ऐसे पानी भरते हो? क्या कम से कम तो जी पानी लिकट देगा तो 15 दिन। 15 दिन? हाँ, और 3-4 बार तो आ चुके हैं वो फट्टी मारने के लिए, खाली कर दे वो सफाई वाले, फिर वो हमने सामान को नहीं मिला, मोटर को नहीं मिला, बड़ी गाड़ी को नहीं मिला, कदेगा फट्टी का मार दो रहे, भी हमारे पास बिल्कुल नंबर है हमारे पास, कितने मैं दिखाता हूँ, मोबाइल है मेरा, जे ही दो रहे फोन मिला रखे है, सफाई करने वाले पास भी मिला रखे है, आज तो हमने पंचकुला मिला था। अच्छा, उसकी भी रिपोर्ट है हमारे पास, नंबर लिख रखे हमने। अच्छा, देखना चाहो तो एक बार, हाँ एक बार दिखा दीजिए इनके पास, एक बार एक नंबर देख लेते हैं जो इन्होंने कंप्लेंट की है, उसके बावजूद भी इनकी बात को नहीं सुना जा रहा, इनकी कंप्लेंट करने के बावजूद भी एक बार भी आवाज जो है उनके कानों तक नहीं पहुँच रही है। सड़क देख लो, ये वाली सड़क है अब तो ना, ये इनको यहाँ के लोगों को बदबू आनी बंद होगी इसमें,
इनके नाक पर रम चुकी है। देखो बाऊजी साइकिल लेके आ रहे हैं, देखो हाल। बाऊजी गिर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, बदबू आने ऐसी बंद होगी इनको। अभी ताजी रिपोर्ट है ये कंप्लेंट की, इन्होंने टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट किया है और यहाँ भी कंप्लेंट किया है। आप देखिए बोलते क्या है, बोला जी कर देंगे कंप्लेंट, बोल देंगे ठीक हो जाएगा। अब नीचे वाले कहते हैं हमारे को ना सामान मिलता, ना गाड़ी आती, ना फट्टी आती, कुछ जाएंगे ऑटो में तो ऑटो पलटेगी। खड्डे तो हो गए यहाँ, सड़क फूट गई जी, सड़क का नुकसान हो गया हमारा। तो ये तो साफ हो जाएगा, मान लो महीने बाद हो जाएगा। ये खड्डे तो हो गए हमारे, ये खड्डे कौन साफ करेगा? ये एक बात बताओ, एग्जैक्टली जगह कौन सी है ये? सेक्टर ओ कहते हैं इंडस्ट्री एरिया, जिंद मॉडर्न स्कूल। और कब से यहाँ पे रह रहे हो, क्या काम करते हो आप? मैं तो ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, 10 साल से रह रहा हूँ, 2 साल से तो देख रहा हूँ। एक ये सीवर है, एक आगे भी सीवर है, एक और आगे सीवर है। 2 साल से है, निकाल के जाते हैं इधर से। ये क्या होता है, सीवर है छोटे और पानी है, पब्लिक होगी ज्यादा इधर तो उनका पानी ओवरफ्लो हो जाओ, जब सप्लाई आओ जद हो जाओ, ओवरफ्लो सप्लाई आओ ना जब, तो ओवरफ्लो पक्का ही हो। कुछ कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा जी, मैं निगम में बैठे हैं ना, जो बड़े बोले अधिकारी, शीर्ष के अधिकारी, जो आम जनता जाती है, जिनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि गोबर वाली बात से पहले हम सफाई के लिए गए थे तो उन्होंने बोला ये हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता, गंगवा का एरिया। मैं इनके पीछे पड़ा रहूँगा, इनके पीछे पड़ा रहूँगा और दिखाता रहूँगा कि देखो ये तो आपके निगम में आता है, चलो गंगवा गांव की आपने सफाई के लिए मना कर दिया। वहाँ इन्होंने हमारे गांव में डिस्पोजल का प्लांट है जो बना रखा है, ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी बदबू तो गंगवा वाले खाएंगे। सफाई करवाते टाइम ये बोलते हैं हमारे एरिया में नहीं आता, ये आता है ना, यहाँ की सफाई क्यों नहीं करवा रहे ये लोग? आम जनता जाती है उसके साथ बदतमीजी से बोलते हो आप, इतने इतने बड़े अधिकारी हो, आपको बोलने की तमीज नहीं है? तो इन वो देखो नाक पे किस तरीके से नाक पे लगा रखे है माता जी ने। क्या बात है, खैर बने रहिए चैट मिनट न्यूज़ के साथ, लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाती रहूंगी। और क्या लगता है क्या वजह हो सकती है कि अभी तक की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा और बार बार इसे इग्नोर किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है और इग्नोर ही किया जा रहा है? बने रहिए चैट मिनट न्यूज़ के साथ।